महाराष्ट्र के बीड जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बंदर और कुत्तों के बीच बदले का खेल चल रहा है, जिसमें बंदरों ने अब तक 250 कुत्तों को जान से मार दिया है। यहां के लोगों का दावा है कि अब बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि स्थानीय लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। फिलहाल वन विभाग ने इन बंदरों को अपने कब्जे में ले लिया है और जल्द ही इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के बीड जिले के मजल गांव में बंदरों द्वारा कुत्तों के बच्चों को मारने का सिलसिला काफी समय से चल रहा था। अब हाल ये है कि यहां एक भी कुत्ते का बच्चा नहीं बचा है। बंदरों का आतंक बढ़ता देख लोगों ने इसकी शिकायत वन विभाग को भी की थी। इसके बाद अब जाकर वन विभाग को दो बंदरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले पर स्थानीय लोगों के अनुसार बंदर और बच्चों के बीच ये बदले की जंग तब शुरू हुई जब कथित तौर पर एक बंदर के बच्चे को कुत्तों ने मार डाला था। इसके बाद बंदरों ने बदला लेने के लिए एक एक करके कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। बीते एक महीने के अंदर बंदरों ने लगभग 250 कुत्तों को ऊंचाई पर ले जाकर फेंक दिया और उनको मार डाला। यह बंदर किसी भी कुत्ते के बच्चे को देख उसे उठा लेते थे और ऊंचाई पर ले जाकर फेंक देते थे। ये बंदर अब स्कूलों के बच्चों को भी निशाना बनाने लगे थे, इसलिए गाँव के लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे। फिलहाल अब इन बंदरों के पकड़े जाने से लोगों ने चैन की सांस ली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।